प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही कमर कस ली है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत शिविर के सहारे वोटों की साधने की तैयारी कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 80 नए चेहरों को टिकट देने की तैयारी कर चुकी है। भाजपा द्वारा बूथ लेवल पर जानकारी जुटाकर मौजूदा नेताओं के टिकट काटने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। सूत्रों की माने तो प्रथम चरण में अब तक 20 विधायक, पूर्व मंत्री और अन्य कई पुराने चेहरे हैं जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कमजोर नजर आ रहे हैं, उनकी सूची बना ली गई है। इस बार भाजपा किसी एक चेहरे पर चुनाव न लड़कर संगठनात्मक स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सीएम गहलोत के सामने पीएम मोदी का चेहरा लाकर वोटर्स को बनाने की तैयारी बीजेपी ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनादेश किस पार्टी के पक्ष में जाएगा। फिलहाल तो दोनों पार्टियां मैदान में डटी हुई हैं। चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी का संगठन राजस्थान के नेताओं में आपसी तालमेल को लेकर पूरी तरह आशान्वित दिख रहा है। जयपुर आए सह प्रभारियों का कहना है कि संगठन सबको साथ लेकर चलेगा। सचिन पायलट के सवाल पर सह प्रभारी अमृता धवन ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस में बोलने पर तलवार से गर्दन काटने की परिपाटी नहीं है। धवन ने कहा कि परिवार में आपसी बातचीत से ही समाधान हल होता है, ये तो घर घर की बात है। वही सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि गहलोत और पायलट दोनों ही ऊर्जावान और बलशाली नेता है, हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। अनुभव और ऊर्जा का अनोखा संगम आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। प्रभारी की भाषा से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का संगठन आशान्वित तो है ही, उसके लिए पहल कौन करेगा, फिलहाल इसका निर्णय जनता पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस के संगठन और AICC के प्रतिनिधियों को राजस्थान के नेताओं से तालमेल की पूरी उम्मीद है। संगठन की भाषा से साफ झलक रहा है कि सह प्रभारियों की नियुक्ति आपसी मेलझोल के लिए हुई है। नियुक्ति के बाद जयपुर पर पहली बार आए सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि गहलोत और पायलट दोनों को साथ लेकर ही कांग्रेस की सरकार रिपीट होने वाली है। राठौड़ ने कहा कि जहां पायलट के पास ऊर्जा है, वहीं गहलोत के पास तजुर्बा है, दोनों का संगम ही इस नैया को पार करा सकता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का वक्त करीब आने के साथ ही राजनीति भी गर्माने लगी है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में गंभीर अंतर कलह के दौर से गुजर रही है। राजस्थान कांग्रेस अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी अवसर नहीं गंवा रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच सीएम गहलोत ने अपना डर भी जाहिर कर दिया है। सीएम गहलोत को साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा है। गहलोत का मानना है कि उन्हें अपनों से डर है, गैरों से नहीं। सचिन पायलट को राजनीतिक तौर पर जवाब देने के लिए गहलोत ने बीकानेर में किसान रैली आयोजित की है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ कई मंत्रीगण भी मंच पर मौजूद थे। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि यदि दोबारा उनकी सरकार नहीं बनी तो बीजेपी उनकी कई योजनाओं को बंद कर देगी। उन्होंने कहा है कि पहले भी ऐसा हुआ है, जब सरकार रिपीट नहीं होती है तो भाजपा उनकी द्वारा चलाई गई योजनाओं को बंद कर देती है। बीकानेर के जसरासर में किसान रैली को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, अगर बीजेपी सत्ता में गलती से आ गई तो हमारी सारी योजनाओं को बंद कर देगी। गहलोत ने कहा है कि जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हुई है, सरकार उनके बच्चों को नौकरी देने जा रही है। इस बीच यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो मुझे डर है कि कहीं वे इनके बीच में ही रास्ता जाम ना कर दे। गहलोत ने कहा कि उन्हें अनुभव है कि जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तो सबसे पहले कांग्रेस की योजनाओं को बंद करती है। आखिर में सीएम गहलोत ने कहा कि उन्होंने सर्वे करवाया है, उसमें सरकार के रिपीट होने की बात सामने आई है। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत तीसरी बार सीएम बने, उनके सीएम रहते हुए कांग्रेस को दो बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। सचिन पायलट बार बार इसी को मुद्दा बना रहे हैं, वह गहलोत की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि दो महीने पहले भी सचिन पायलट ने किसान रैलियां करके ताकत दिखाई थी, अब गहलोत ने बीकानेर में किसान रैली करके उसका जवाब देने की कोशिश की है। इस रैली में कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित आधा दर्जन मंत्री मौजूद रहे। दरअसल गहलोत और पायलट के बीच किसान नेता बनने की जो होड़ चल रही है,
उसमें हो सकता है कि राजस्थान की उसमें हो सकता है कि कांग्रेस को घाटा उठाना पड़े। किसान बहुल राजस्थान में किसान चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। उदयपुर जिले के मांडवा क्षेत्र में एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने पहुंची उदयपुर पुलिस को बदमाशों ने चारों तरफ से घेर कर पथराव और फायरिंग कर दी। घटना में थाना अधिकारी उत्तम सिंह सहित 6 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज मांडवा के अस्पताल में चल रहा है। आईजी अजयपाल लांबा मौके पर पहुंचे और सभी की जांच की। आईजी लांबा ने कहा है कि प्राइमरी मेडिकल जांच में किसी पुलिसकर्मी के गोली लगने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। बाकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति की मुख्य जानकारी मिलेगी। कुख्यात अपराधी रणिया और उसके बेटे सहित करीब 35 लोगों ने धारदार हथियारों और पत्थरों से पुलिस पर हमला बोल दिया था। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम मांडवा थाने के पुलिसकर्मी हिस्ट्री शीटर रणिया की सूचना उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देने पहुंचे थे। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस को घेर लिया और पथराव कर फायरिंग करना शुरू कर दिया। किसी तरह पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागे। इसी दौरान चोटिल होने से थाना अधिकारी उत्तम सिंह, कांस्टेबल मनोज सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने करते हुए बताया कि कुख्यात हिस्ट्री शीटर रणिया और उसके साथियों के मांडवा में छुपे होने की जानकारी मिलने पर पुलिस बल भेजा गया था। इसी दौरान उन्हें पता चल गया कि पुलिस आ रही है, तो उन्होंने छुपकर यह घटना को अंजाम दिया। घायल पुलिसकर्मियों की स्थिति ठीक है। रणिया और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया है। फिलहाल एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने स्थिति का जायजा लिया है और जल्द ही रणिया के खिलाफ एक बड़ा जाब्ता भेजा जाएगा और उसे धर दबोचा जाएगा। सीएम गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि राजस्थान में अपराधियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा और उसी सिलसिले में ये कार्रवाई चल रही है। ताबड़तोड़ की जा रही कार्रवाई से अपराधियों में हौसले पस्त हो रहे हैं और वो खिसियानी बिल्ली की तरह इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जयपुर पुलिस मुख्यालय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल उदयपुर के मांडवा में पुलिस पर हुए हमले के बाद से ही पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। राजस्थान के सिंघम कहे जाने वाले एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने नए आदेश जारी किए हैं, जिनमें अब बड़ी पुलिस रेड में एएसपी स्तर का अधिकारी होगा। जिले वाइज छापेमारी में प्रभारी अधिकारी और पुलिस निरीक्षक शामिल होंगे। तमाम पुलिस कमिश्नर, रेंज आईजी और जिला एसपी को आदेश जारी कर दिया गया है कि रेड मारने वाली प्रत्येक टीम में अब 3 सब इंस्पेक्टर, 3 एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल शामिल किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने सख्त रवैया अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अपराधियों को हर कीमत पर नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। सरकार ने उन्हें फ्री हैंड दे रखा है। अब मुजरिमों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेते हुए सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही आम जन के साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, तभी हम आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का माहौल पैदा कर सकेंगे। राजस्थान में इन दिनों महंगाई राहत शिविरों का बोलबाला है। सीकर जिले में आयोजित महंगाई राहत कैंपों में आमजन में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले में गुरुवार को महंगाई राहत कैंपों में 90,058 परिवार लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर आम जन को महंगाई से राहत देने के लिए आयोजित किए जा रहे इन शिविरों में लोगों में भारी उत्साह है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि जिले में गुरुवार को आयोजित 67 ग्रामीण और 36 नगरीय कैंपों में कुल मिलाकर 90,058 परिवार लाभान्वित हुए, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र के 52,895 परिवार तथा नगरीय क्षेत्र के 37,163 परिवार शामिल है। कलेक्टर साहब ने बताया है कि महंगाई राहत कैंपों के अंतर्गत सरकार की 10 महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं के गारंटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। डॉक्टर यादव ने बताया कि लाभार्थियों द्वारा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करवाए जा रहे हैं। परिवार का कोई भी सदस्य इन 10 योजनाओं में भाग लेकर महंगाई राहत कैंप से सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र
आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन जयपुर और अजमेर जिला मुख्यालय पर 30 अप्रैल को दो पारियों में प्रातः 10 से 12 और 2 से 4 बजे तक किया जाएगा। आयोग के सचिव श्री एच एल अटल ने कहा कि अभ्यर्थी यथाशीघ्र समय रहते हुए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ले, आखिरी समय में हो सकता है वेबसाइट जाम हो जाए। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्म दिनांक डालकर डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें। अटल ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच और पड़ताल के बाद ही उन्हें एग्जाम सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व ही परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होना होगा। देरी से आने वाले छात्रों की तलाशी में लगने वाला समय उनके समय में ही काउंट किया जाएगा। अभ्यर्थियों की पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर प्राथमिकता से मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट में लेकर उपस्थित होना होगा। रंगीन मूल आधार कार्ड नहीं होने पर विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर अनुमति दी जा सकेगी। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करनी होगी। धौलपुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश महाघेराव किया गया। इसमें क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बीजेपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता करके प्रदेश की गहलोत सरकार पर जुबानी हमला बोला है। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना कर दिया है, बाकी सरकार ने कुछ नहीं किया, सारा किया धरा मोदी सरकार का है। राजस्थान सरकार जनता को बेबसी की ओर धकेलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी नीति के साथ चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसके सख्त खिलाफ है। हिंदू समाज के धार्मिक उत्सवों पर राज्य सरकार धारा 144 लगाकर प्रतिबंध लगा देती है, पताका नहीं फहरा सकते हैं, डीजे नहीं बजा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, जबकि कांग्रेस सरकार एक समुदाय विशेष के खिलाफ काम कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है और करती रहेगी। झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में पेयजल की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होने से कस्बे में पेयजल का संकट गहराने लगा है। कस्बे में 5 दिन में एक बार नल आता है, लेकिन वह भी गंदा और बदबूदार पानी आता है। ऐसे में कस्बे वासियों के सामने पेयजल का भारी संकट खड़ा हो गया है। गर्मी के मौसम में पीने का पानी सप्लाई नहीं होने से परेशान वार्ड नंबर 14 के वार्ड वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और प्रशासन के समक्ष पेयजल संकट को दूर करने की मांग रखी है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि जल्द ही जलदाय विभाग की ओर से नियमित रूप से पेयजल सप्लाई नहीं की गई तो ग्रामीणों की ओर से उपखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जलदाय विभाग के XEN विक्रम सिंह ने बताया कि इस मामले में जानकारी मिल गई है, जल्द ही कर्मचारियों को मौके पर भेजकर पेयजल सप्लाई दुरुस्त करवा ली जाएगी। अजमेर की किशनगंज थाना पुलिस ने प्रतिबंधित इलेक्ट्रिक सिगरेट का परिवहन करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 40 विद्युत सिगरेट और वाहन जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 4/7 और अध्यादेश 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में कांस्टेबल करतार सिंह का विशेष योगदान रहा। किशनगंज थाना प्रभारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि SP चूनाराम जाट के निर्देशानुसार शहर में प्रतिबंधित इलेक्ट्रिक सिगरेट के परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगा दिया गया है और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाने ने एक टीम का गठन किया था, जिन्होंने इन 2 युवकों को 40 इलेक्ट्रिक सिगरेटों के साथ में गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मार्च की तरह अप्रैल में भी इस बार गर्मी का एहसास उतना नहीं हो रहा है।
अगले दो दिनों तक बारिश और ओले के कारण मौसम सुहाना बने रहने की संभावना है। शुक्रवार से पूरे प्रदेश में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का माहौल है। कई जगह पर तेज हवाएं चलने से धूल भरी आंधी भी चल सकती है। मई के पहले सप्ताह में मौसम काफी ठंडा रहेगा, इसके बाद मई के दूसरे सप्ताह से मौसम में परिवर्तन हो सकता है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने बताया है कि जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों के आसपास में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसंख्या वृद्धि से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। फाउंडेशन के प्रदेश संरक्षक ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि लगातार जनसंख्या में वृद्धि से बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों के पास खाने को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, परिवहन के साधनों की जगह नहीं है, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। संगठन की ओर से बीते 8 साल से मुहिम चलाई जा रही है। हर तहसील स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे दो बच्चे का कानून लागू हो जाना चाहिए। असम और यूपी में तो यह कानून बना हुआ है। भारत अब विश्व की बढ़ती आबादी के मामले में शीर्ष पर पहुंचने वाला है। यानी भारत विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में रह रही है। भारत विश्व के भूभाग का 2.5% ही है, जिसका उपयोग सब भारतीय मिल बांट कर करते हैं। धार्मिक कट्टरता के कारण षड्यंत्र पूर्वक असीमित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या से सामाजिक, आर्थिक प्रदूषण, स्वास्थ्य, आवास और भोजन से संबंधित समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। चिंता का विषय यह भी कई राज्यों में एक पंथ विशेष की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर धर्म और संप्रदाय को इक्वलिटी दी गई है, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उससे आने वाले दिनों में कई संकट खड़ा हो सकता है। इसके अलावा जिस प्रकार से राज्य सरकारें देश भर में आमजन के लिए प्रतिदिन की मूलभूत वस्तुएं उपलब्ध करा रही है, उन्हें सरकारें वोट बैंक के लिए मुफ्त की रेवड़ी समझकर बिना जिम्मेदारी के बांटे जा रही, इसके कारण देश और राज्य पर भार बढ़ता जा रहा है। देश का जिम्मेदार व्यक्ति उन आवश्यक सुविधाओं से दूर हो रहा है। पेराठी ने कहा कि अब भारत की जनसंख्या उस लेवल पर आ चुकी है कि हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर इसे रोके कैसे। ऐसी मित जनसंख्या से ही आजकल आए दिन धार्मिक कट्टरता और उन्माद की घटनाएं होती है। आने वाले समय में अगर यही हालात रहते तो गृह युद्ध जैसी समस्याएं आ सकती है। कश्मीर, केरल, आसाम, पश्चिम बंगाल के उदाहरण सबके सामने हैं। श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने मांग की कि देश में जल्द ही जनसंख्या को लेकर एक स्पष्ट कानून बनाया जाए। 2 से अधिक बच्चे पैदा करने के नियम का उल्लंघन करने पर नौकरी, वोट और चुनाव लड़ने के अधिकार के साथ ही राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी उसे वंचित रखा जाए। प्रदेश संगठन मंत्री अटल खंडेलवाल, मुकेश भारद्वाज, जयपुर जिला संयोजक शैलेश शाह ने भी इस प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया। इन दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप को लेकर व्यस्त है। वहीं दूसरी ओर उनकी धर्मपत्नी सुनीता गहलोत यूट्यूब पर अपना नया गीत रिलीज करने जा रही है। सुनीता गहलोत ने अपने यूट्यूब चैनल पर राम जानकी विवाह गीत रघुबर ब्याह लाए जानकी जो पालकी बागन में पहुंची फलों से भर गई पालकी नामक गीत गुरुवार को रिलीज किया है। इस गीत को उन्होंने यूट्यूब पर विवाह के शुभ अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत का कैप्शन दिया है। इस गीत की सिंगर और कंपोजर खुद सुनीता गहलोत है। गीत का निर्देशन अनुपमा गोयल ने किया है और म्यूजिक कंपोजर आरपी सोनी है। गाने की शुरुआत में लिखा है कि विवाह के अवसर पर मेरी माँ इन्हीं गीतों को माधुर्य और उत्साह के साथ गाया करती थी। यह गीत मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। इससे पहले सुनीता जी का बन्ना बन्नी लोकगीत तेरा लहर जिया होवे ओ बन्नी जयमाला गले में डाल दे फरवरी में रिलीज हुआ था। बताया जा रहा है कि गहलोत साहब की धर्मपत्नी सुनीता जी के इससे पहले यूट्यूब पर काले बादल से नीर बरसता है, बन्नी तेरे लिए बन्ना तरसता है, आजाद मेरी बन्नो तुझे खूब सजाऊं, ये शुभ घड़ियां जैसे कई लोकगीत रिलीज हो चुके हैं जो कि लोगों को यूट्यूब पर काफी पसंद आ रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में भूखंडधारियों को समय पर पट्टा आसानी से मिल सके, इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किए हैं। इस बारे में सरकार ने आला अधिकारियों से बातचीत कर ली है, सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2021 से शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान का नया चरण 24 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है।
इसमें 30 जून तक वार्ड वाइज शिविर निकायों की ओर से लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आम आदमी को उसकी जमीन का पट्टा समय पर मिल सके, उससे कोई परेशानी नहीं हो, इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कई निकायों में लोगों को पट्टा लेने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि पट्टा की मौजूदा स्थिति क्या है। मौजूदा स्थिति यह है कि प्रशासन शहरों के संग अब तक 125,000 से भी ज़्यादा पट्टे जारी किया जा चुके हैं। अभियान में शिविर लगाने का यही उद्देश्य है कि आवेदक को तुरंत पट्टा जारी किया जाए, बाकी बचे हुए जो भी पट्टा धारक हैं उन्हें भी शीघ्र पट्टा जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को यहां राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी टीम को 32 रन की मिली हार के बाद कहा है कि उनकी टीम ने विरोधी टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर से अधिक रन बनाने दिए और खराब फील्डिंग की। रॉयल्स के 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपर किंग्स की टीम 22 रन पर 3 विकेट सुपर किंग्स की टीम के जंपा 22 रन पर 3 विकेट और अश्विन 35 रन पर 2 विकेट की फिरकी के सामने शिवम दुबे, जिन्होंने 33 गेंद में 52 रन बनाए, 2 चौके और 4 छक्के के अर्धशतक, तथा ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 47 रन बनाए। इनकी उम्दा पारी के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स 6 विकेट पर 170 रन ही बना सकी। धोनी ने मैच के बाद कहा कि उन्होंने प्रतिस्पर्धी स्कोर से अधिक रन बना दिए, हमने शुरुआती 6 ओवर में उन्हें बहुत अधिक रन दे दिए थे, तब विकेट बल्लेबाजी के लिए शानदार थी, बाद में गेंदबाजी के लिए हुआ। हमारे गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर कई बाउंड्रियां लग गई, कम से कम 5-6 बार ऐसा हुआ और इससे मैच का पासा ही पलट गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल हुए जयपुर में हाई वोल्टेज मैच के अंदर चारों तरफ धोनी की गूंज थी, पूरा स्टेडियम पीले रंग की जर्सियों से भरा पड़ा था। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर की शुरुआत यहीं से करी थी, जयपुर के SMS स्टेडियम से ही उन्होंने 183 रन की शानदार पारी खेली थी। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों से गायब रहने वाले कांग्रेस के शहजादे लौट आए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर वे मछुआरा समुदाय को 10 लाख रुपए का बीमा, महिला मछुआरों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज तथा प्रतिदिन 500 लीटर तक डीजल 25 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी के हिसाब से देंगे। राहुल गांधी ने कर्नाटक के उडुपी जिले में मछुआरा समुदाय के लोगों के साथ संवाद के दौरान यह आरोप लगाया कि महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण मछुआरों को समस्या हो रही है, उन्हें बैंक से कर्ज भी मुश्किल से मिलता है, मछलियों की संख्या लगातार कम हो रही है, लागत बढ़ने से मछलियों की कीमत बढ़ रही है, इसीलिए मछुआरा समुदाय पिछड़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपकी मदद करने वाले हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मछुआरों को 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस द्वारा घोषित चुनावी गारंटी में कहा गया है कि गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला प्रमुख महिला को 2000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, साथ ही अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्यों को हर महीने 10 किलो चावल दिया जाएगा, युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रति माह 3000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि यह विधानसभा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी के अनुसार कांग्रेस की सरकार गरीब और कमजोर तबके के लिए कार्य करती है, राजस्थान इसका स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की मौजूदा सरकार आप लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, बल्कि भाजपा ने धन बल का उपयोग करके इसे खरीदा है। इस सच्चाई के बारे में कर्नाटक के सभी लोग जानते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि अब तो भाजपा के विधायक भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद 2500 करोड़ रुपये में बिकता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि जनता का पूरा पैसा जनता तक पहुंच सके।